हेलो गुड नोन एवरीबॉडी, दिस इज़ कौशल कुमार फ्रॉम देसी लाइफ इन चाइना। और आज आपका भाई एक नई ट्रिप पे जा रहा है चाइना के अंदर में। और मैं बता दूं कि मैं अभी हेबेई प्रोविंस के सिचुआजोंग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको जो है चाइना की डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और चाइना की एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस, उनकी सर्विसेज दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या वो सर्विसेज देते हैं। अभी हम चाइना के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे खड़े हैं। इस एयरपोर्ट का नाम जिनपिंग इंटरनेशनल है। टर्मिनल 2 पे मैं खड़ा हूँ और मैंने ये मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास है। मैं अभी यहाँ से छांगछुन जा रहा हूँ जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना में है, हार्बिन के पास में। और वहाँ काफ़ी ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम निकलेंगे यहाँ से, तो मैं आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगा। और आप पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ कि भाई आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपके भाई आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते रहे और आपको भी अच्छा रहेगा। काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा मैं चाइना के बारे में। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको काफ़ी चीज़ें चाइना के दिखाएंगे और भी एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यहाँ भाई अपन सब कुछ कर चुके हैं और अब बस फ्लाइट के अंदर इंटर करने का वेट कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग, चाइनीज़ लोग भी अब फ्लाइट में बोर्डिंग करने का वेट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि पहले जो हुआ करता था क्या, चाइना के अंदर में 3 एयरलाइंस थी, चाइना ईस्टर्न, चाइना साउदर्न और एयर चाइना की, जो कि इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक दोनों कवर किया करती थी। बट आज के डेट में जो है कि चाइना के अंदर में काफ़ी सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गई है। अभी मैं जिस एयरलाइन से जा रहा हूँ हैनान एयरलाइंस है, और जो एयरलाइंस आजकल डोमेस्टिक वो स्टेट वाइज हुई है। जैसे कि अब हेबेई में है तो हेबेई एयरलाइंस है, हैनान एयरलाइंस है, डालियन एयरलाइंस है, तो इस टाइप की एयरलाइंस है आजकल हो गई है ज़्यादा। तो अब चाइना के अंदर में भी काफ़ी सारा डोमेस्टिक एयरलाइंस में क्रेज़ आया है, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सेंडोंग एयरलाइंस है, तो काफ़ी सारी एयरलाइंस है। और अभी हम एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत सा है और दुकानें भी कम हैं, बट हैं चाइनीज़ के लिए हैं। और काफ़ी अच्छा है एयरपोर्ट, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे आपको, चार्जिंग वगैरह के लिए है, फूड्स है, कॉफ़ी शॉप है, मैगडी वगैरह सारा कुछ है, महंगे ब्रांड्स भी हैं। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जस्ट आपको मैं अपनी फ़्लाइट दिखाता हूँ। मेरे पीछे में शीशे से बाहर अगर दिख रही होगी तो फ़्लाइट लगी हुई है। बस अब बोर्डिंग का टाइम हो रहा है क्योंकि 3:40 हो गया है, 4 बजे की फ़्लाइट है। तो अब हम बोर्डिंग करेंगे और फिर हम आपको जहाज़ का दिखाते हैं कि डोमेस्टिक एयरलाइंस यहाँ का अंदर से कैसा है और उनकी सर्विसेज क्या है। और एक चीज़ आपको बता दो भाई कि आप बस भाई को सपोर्ट करो, लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। बाकी बने रहो, मैं आपको चाइना के बारे में काफ़ी चीज़ें दिखाता हूँ। अब जहाज़ में बैठता हूँ फिर बताता हूँ। फाइनली हम यार फ्लाइट में बैठ चुके हैं और मैंने जानबूझ के एक खिड़की वाला सीट का डिमांड किया था कि रास्ते में अगर पहाड़ वहाड़ हो तो मैं आपको दिखाऊँ। और खिड़की के चक्कर में सबसे पीछे वाली सीट की डिमांड की थी कि पीछे से आगे की वीडियो में बना पाऊँ आप लोगों के लिए। काफ़ी बड़ी जहाज़ है इन कम्पेयर टू, अगर इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें तो उससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एयरलाइंस में बिजनेस क्लास भी होता है डोमेस्टिक में। जैसे इंडिया में अपना फुल इकोनॉमिक हो गया है, तो वो चीज़ चाइना में नहीं है, फुल इकोनॉमिक नहीं है यहाँ पे, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक है, बिजनेस क्लास है। आगे की 8 सीटें होती हैं और मैं इकोनॉमिक में हूँ, मैंने सबसे पीछे इकोनॉमिक सीट ली हुई है। और काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है और एयर होस्टेस भी काफ़ी खूबसूरत है, आपको मैं चिंकी एयर होस्टेस वगैरह दिखाता हूँ। फिलहाल
अभी दिखाते हैं, अभी लोग इसमें आ ही रहे हैं, बैठ ही रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा है एयरलाइंस, हैनान एयरलाइंस। और आगे भी दिखाता हूँ कितनी बड़ी जहाज है, इंडिया के कंपेयर में तो बहुत बड़ी जहाज है डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो आप एक बार देखिए, सेकेंड नंबर पे
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छांगछुन में लॉन्गजिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है अभी -2 है और दिन पे दिन यहाँ पे -40 तक टेम्परेचर जाता है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, यहाँ पे छांगछुन बड़ा खूबसूरत जगह है, बाद में बताऊँगा आपको। चलो तो मैं आपको अभी यहाँ से अंडरग्राउंड वे पैसेज से रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, जो कि एकदम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों कनेक्टिंग है। ये देखो कितनी अच्छी अरेंजमेंट है इनकी, फ्लाइट से निकले और मैं देखो आप लगेज कितना बड़ा है मेरा, पूरा जैकेट और उलेन सूज, हील्स वाले सूज सारे मैंने रख लिए कि ठंड से मजाक नहीं, कंबल उम्बल सब भर के लाया हूँ मैं यहाँ पे, कोई रिक्स नहीं। और अभी मैं छांगछुन एयरपोर्ट, आप मेरे पीछे में वो एयरपोर्ट छोड़ा और अभी सामने मैं एकदम रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। पैसेज है, पैसेज पर चले। और यार आपने देखा कि मैंने कंपेयर किया, तो कंपेयर में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और यार कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए भी सजेस्ट करें। बाकी अभी जो है कि थोड़ा सा वॉइस का मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा,
कोई बात नहीं, बट आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे यार आप लोग, और इसी तरह मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। और अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट बुलेट से जिलीन जाएंगे, जो कि काफ़ी छोटा सा जगह है, बहुत बहुत अच्छा जगह है, और वहाँ से कोरिया बॉर्डर भी पास में है यानपियन से। तो ये सब चीज़ें अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और काफ़ी चीज़ें बताएंगे आपको, क्योंकि यार ज़्यादा बताने पे वीडियो बड़ी हो जाती है। एक बार आप ये पैसेज देखो और उसके बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।